गाइस, आज हम ननियाला एलिफेंट कैंप आए हैं। ये बैंगलोर से 130 किलोमीटर्स दूर है और बहुत ही अच्छी जगह है। एक्चुअली इट्स वर्थ इट फॉर अ वन डे ट्रिप। वी स्टार्टेड एट 12 o'clock इन द आफ्टरनून एंड वी हैव रीच्ड हियर अराउंड 4 o'clock एंड बीच में हम रुके भी, ढाबे पे लंच भी किया और बहुत अच्छा ट्रिप था। रोड्स भी बहुत अच्छी थी एंड ये कैंप, इट इज़ रियली वर्थ इट इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग योर किड्स एंड यू वॉन्ट टू हैव समथिंग लाइक अ पिकनिक। वन डे ट्रिप, इट्स अमेजिंग। ये है ननियाला एलिफेंट कैंप। यहाँ पे आप देखिए, दो हाथी भी खड़े हैं जो अभी थोड़ी देर पहले इनको लाया गया यहाँ पे, और यहाँ पे नहा, पहले इनको नहलाया गया, उसके बाद अभी यहाँ ये खड़े हैं और इनका खाना तैयार हो रहा है। हमने सुना है खाना तैयार हो रहा है और ये रागी मुद्दे खाएंगे। और वी हैव बीन टोल्ड दैट देयर फूड इज 6 balls of ragi mudde as big as a volleyball. So बहुत ही शांत आती हैं। उनको ट्रेन किया जा रहा है टू स्केयर अवे द अदर वाइल्ड एलिफेंट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स हु ट्राई टू कम टूवर्ड्स द सिटी फ्रॉम दिस जंगल। सो दे हैव बीन ट्रेंड टू बी बेसिकली गार्ड्स ऑफ सिविलियंस so that no wild animal comes into the city. और बहुत छोटा सा elephant camp बनाया है at the edge of a national park, which is very good and ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। आज संडे है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। नॉर्थ में तो मैंने लखनऊ के पास तो मैंने एलिफेंट सिर्फ ज़ू में देखे हैं, लेकिन बैंगलोर के आसपास काफ़ी ऐसी जगह हैं, नेशनल पार्क्स हैं, जहाँ पे आप आकर एलिफेंट्स देख सकते हैं और जंगली जानवर भी देख सकते हैं, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक दिस इज़ बिकॉज बैंगलोर के आसपास अभी भी नेशनल पार्क्स एंड काइंड ऑफ जंगल्स अभी भी हैं जो बहुत अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं, इसीलिए हम वहाँ पे जंगली जानवर और हाथी वगैरह आराम से जाके देख सकते हैं। इंटरेस्टिंगली, बैंगलोर डजंट हैव एनी जू, मैसूर हैज, बट देर आर लॉट ऑफ प्लेसेज अराउंड बैंगलोर वेयर यू कैन एक्सपीरियंस एंड यू कैन सी tamed wild animals.